अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो अपने मोबाइल को चलाकर, वीडियोस वगैरह देखकर, शॉर्ट्स देखकर, मज़े करते हो, दिन भर टाइम स्पेंड करते हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आज ही बंद कर दो ये काम करना। आप मोबाइल में 5 घंटे 10 घंटे इतना टाइम स्पेंड करते हो और क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ इंटरटेनमेंट मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेगी और आप कुछ ज़िंदगी में कर सकते हो, कुछ पैसा अर्न कर सकते हो। तो आज से ही आप टाइम स्पेंड करना बंद करो, क्योंकि जो यूट्यूब का अर्निंग है कल से डबल होने वाला है। पहले तो लॉन्ग वीडियोस का सिर्फ पैसा मिल रहा था, अब शॉर्ट्स वीडियोस का भी पैसा कल से मिलने वाला है। तो इसलिए टाइम स्पेंड करो दूसरे के वीडियोज़ देखकर, आप खुद का वीडियो बनाओ, खुद का वीडियो देखो और पैसा भी कमाओ, तो इसमें क्या हर्ज है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे यूट्यूब से पैसा कमाया जाता है। बहुत से लोगों को विश्वास भी नहीं होता है कि यूट्यूब से पैसा भी मिलता है, खासकर ऐसा गाँव में होता है। तो मेरे गाँव में भी मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो विश्वास नहीं करते हैं कि यूट्यूब से मैंने पैसा कमाया, बट मैंने मोबाइल ख़रीद लिया यूट्यूब के पैसे से और मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ। मैंने 1,00,000 करोड़ रुपया तो नहीं कमाया, बट अपनी ज़रूरतों को, छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ खुद से। तो आप इतने बड़े हो गए हो, कब तक अपनी फैमिली पे डिपेंड रहोगे? आप खुद से करो, खुद से कुछ करो, टाइम स्पेंड करना बंद करो और कुछ पैसे कमाओ, कुछ कर सको अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पैसा अर्निंग डबल कैसे होने वाला है। तो अर्निंग डबल होने वाला है क्योंकि यूट्यूब ने बता दिया है कि, और हमने मोनेटाइजेशन को भी ऑन कर लिया, जो कि पहले था कि सिर्फ लॉन्ग वीडियो पे पैसा मिलता था, लेकिन अब जो है कल से यानी 1 फरवरी से शॉर्ट्स वीडियोज़ पर भी पैसा मिलने वाला है। लॉन्ग वीडियो पर 55% मिलता है अर्निंग और 45% यूट्यूब रखता है, और जो शॉर्ट्स वीडियो है इस पर 55% जो है वो यूट्यूब रखेगा और 45% जो है वीडियो क्रिएटर को देगा, यानी हमें मिलेगा शॉर्ट्स वीडियोस का अर्निंग। तो इतना ज़्यादा अर्निंग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट्स वीडियोस में बहुत ज़्यादा व्यू जाता है, भर भर के व्यू जाता है, मिलियंस में व्यू जाता है। तो आप सोचो कितना ज़्यादा पैसा मिल रहा है। 45% कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो पर ज़्यादा व्यू जाता है तो ज़्यादा भी अर्निंग होगी। सो अब बात आती है कि आखिर यूट्यूब से पैसा कैसे मिलता है। सिर्फ ऐसे ही वीडियो अपलोड करने से पैसा मिलता है? क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? आखिर पैसा कैसे मिलेगा आप भी सोचते होंगे। तो आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अपने दोस्त यार सभी के साथ शेयर भी करना, ताकि वो भी कुछ पैसा कमा सके। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन शॉट लगा देता हूँ, मेरा जो अर्निंग है, कुछ पैसा हमने अर्न किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तब आपको बिलीव हो जाएगा, विश्वास हो जाए कि यूट्यूब से पैसा सचमुच मिलता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं, आखिर हमें क्या करना पड़ेगा। सो गाइस, सबसे पहले देखो, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए कुछ क्राइटेरियाज़ को फॉलो करना होता है। पहले क्या था, पहले जब हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो उस टाइम सिर्फ एक क्राइटेरिया को फॉलो करना था, यानी दो क्राइटेरिया को फॉलो करना था, 4,000 घंटे का वॉच टाइम और 1K सब्सक्राइबर्स। यानी 1,000 सब्सक्राइबर्स आपको 12 महीने के अंदर करना था, 1 साल के अंदर, और 4,000 घंटे का वॉच टाइम आपको 12 महीने के अंदर यानी 1 साल के अंदर, दोनों चीज़ें करना था आपको, 4,000 घंटे का वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर अपने चैनल पे। उसके बाद मोनेटाइज होता है चैनल। जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तब तक आपको यूट्यूब से एक पैसा नहीं मिलेगा। मोनेटाइज होने के बाद ही उस पर एड्स चलता है, जो प्रचार चलता है, उसी से हमें अर्निंग होती है। अब क्या है कि अब दूसरा भी फीचर को ऐड कर दिया गया है। पहले था सिर्फ 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर्स, अब एक और चीज़ को ऐड कर दिया गया है इसमें। सो अब यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए दो ऑप्शन दे दिया गया है। आप 1,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करो और 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करो 1 साल के अंदर यानी 12 महीने के अंदर, या दूसरा ऑप्शन है आप 3 महीने के अंदर 1 करोड़ व्यूज लाओ अपने शॉर्ट्स वीडियो से, 1 करोड़ व्यूज लाओ और प्लस में 1,000 सब्सक्राइबर्स लाओ। सिर्फ 3 महीने के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। 1 करोड़ व्यूज यानी 10 मिलियन व्यूज़ आपको लाना होगा अपने शॉर्ट्स वीडियो से, फिर आपका चैनल, चाहे आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हो चाहे शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो, आपका चैनल सब वीडियोस मोनेटाइज होगा आपका और डबल अर्निंग कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये वॉच टाइम क्या होता है, 4,000 घंटे का वॉच टाइम क्या होता है। तो वॉच टाइम होता है जो आप वीडियोज़ बनाते हो उस वीडियो को कितने लोग देखते हैं, कितने देर तक देखते हैं। जैसे आप 5 मिनट का वीडियो बनाए हो और 5 मिनट का वीडियो को 2-2 मिनट 5 लोग देखते हैं, तो 5 × 10 10 मिनट हो जाएगा। इसी तरह से कर करके, एक एक मिनट कर करके आपको 4,000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद अब मान लेते हैं आपने 3 महीने के अंदर 1,000 सब्सक्राइबर्स और
10 मिलियन व्यूज़, 1 करोड़ व्यूज़ कंप्लीट कर लिया और अप्लाई का ऑप्शन आ गया, आपने अप्लाई कर दिया, अब पैसा कैसे आएगा अकाउंट में? तो पैसा आने के लिए जब आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम में आपसे पूछा जाएगा, एडसेंस आपको ऐड करने के लिए कहा जाएगा, एडसेंस जोड़ा जाता है, गूगल एडसेंस होता है जो कि उसी में पैसा आता है। तो गूगल एडसेंस जो है यूट्यूब चैनल से जुड़ जाता है, फिर उसके बाद जो भी अर्निंग होगा यूट्यूब चैनल में, YT स्टूडियो में जो भी अर्निंग होता है, वो अर्निंग मान लो जैसे आपका चैनल फरवरी को मोनेटाइज हुआ, तो फरवरी महीने में जितना भी अर्निंग होगा तो वो डॉलर, सारे डॉलर आपके जो है मार्च महीने में 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपके जो एडसेंस है उसमें ऐड हो जाता है। जैसे $50 हुआ, $20 हुआ, $100 हुआ, और जब तक आपका $100 कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका बैंक में पेमेंट नहीं आएगा। मान लो आपने आपका जो मोनेटाइजेशन है फरवरी 1 फरवरी को स्टार्ट हुआ और 7 मार्च को आपका जो है डॉलर ऐड हो गया, और आपने आपके चैनल पे $100 कंप्लीट हो गया था, तो जो एडसेंस में ऐड हो जाएगा 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, एडसेंस में ऐड होने के बाद फिर उसके बाद एडसेंस क्या करेगा, एडसेंस जो है उसी महीने में 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक बैंक अकाउंट में पैसा भेज देता है, और बैंक अकाउंट उसी टाइम भेज जोड़ा जाता है। सब कुछ मैं आपको दूसरे वीडियोस में बता दूंगा कि कैसे बैंक अकाउंट को जोड़ा जाता है और कैसे पैसा आता है। तो ये तो रहा इतना बात कि चैनल को मोनेटाइज हो गया और एडसेंस जुड़ गया, फिर उसके बाद एडसेंस 7 तारीख को पैसा भेज दिया, फिर उसके बाद एडसेंस भेजेगा 21 तारीख से 25 तारीख तक बैंक अकाउंट में, तो इस तरह से पैसा आ जाता है, पर मंथ आ जाता है। जैसे हम जॉब करते हैं कहीं पे कंपनी वगैरह में, इसी तरह से पैसा पर मंथ एकदम टाइम से मिल जाता है, लेकिन आपके अकाउंट में, आपके एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट होना चाहिए। अगर $100 21 तारीख से पहले कंप्लीट नहीं हुआ, एडसेंस में नहीं जुड़ा, तो आपको एडसेंस पैसा नहीं भेजेगा, चाहे $99 ही क्यों ना हो, आपको पैसा नहीं भेजा जाएगा आपके अकाउंट में। सो आई होप अब आप समझ चुके हैं कि यूट्यूब से पैसा कैसे मिलता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे बैंक अकाउंट में आता है। तो आप आज से ही स्टार्ट करो, शॉर्ट्स वीडियो से ही स्टार्ट करो, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो वाला जो चैनल है जल्दी से ग्रो हो रहा है, तो आप शॉर्ट्स से ही स्टार्ट करो, फिर बाद में लॉन्ग वीडियोस बनाओ और पैसे कमाओ यूट्यूब से। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।